नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड की मूवी या बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की। तो भाई, इनकी जो लिटिल एंजल है सुहाना खान, वो भी एक बहुत ही बड़ी से बड़ी स्टार बनने जा रही हैं, लेकिन वो अभी न्यू है, लिटिल स्टार है। तो शाहरुख खान उनकी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो अभी अपनी एक दबंग एंट्री मार रही है बॉलीवुड की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो भाई धूम 4 है, उसमें उनकी जो एंट्री है वो किस टाइप की होगी, होगी भी या नहीं, या जिस टाइप की जो अभी बातें चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है, वो क्या है, कैसी है, क्या है उनकी हकीकत। और इसके अलावा अगर बात करें तो भाई शाहरुख खान है वो 2024 में इनकी कोई मूवी आएगी या नहीं, इस सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपने पूरी देखनी है एंड तक, क्योंकि एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई व्हाट इज द मोरल ऑफ दैट न्यूज, आखिर क्या है चीज, आपको हर चीज अपने हिसाब से समझ आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमें बहुत मिलती है, बहुत सारी सपोर्ट आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ये हमें बहुत ही चीज मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, चलती हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान की जो न्यू आने वाली मूवी है ये सुहाना खान के साथ होने वाली है। सुहाना खान जो कि इनकी बेटी है, उनकी जो है अभी जो न्यू मूवी है उसका जो नाम है, जो टाइटल है, वो द किंग किया गया है। जैसे कि जो शाहरुख खान है वो खुद भी बॉलीवुड की भाषा है, तो अभी जो ये जो द किंग है ये अपनी बेटी के नाम एक न्यू मूवी जो है रिलीज करवा रहे हैं, जिसमें जो है कास्ट करेगी, जो मेजर जो जो रोल होगा वो सुहाना खान का ही होगा। मूवी शाहरुख खान की होगी, शाहरुख खान की भी इसमें एंट्रीज होगी, शाहरुख खान भी इसमें आएंगे, लेकिन एज अ कैमियो या छोटे मोटे जो रोल्स हैं वो शाहरुख खान के होंगे, लेकिन जो मेजर रोल है वो प्ले करेगी सुहाना खान। सुहाना खान जैसे कि जो न्यू है, उनकी जो मूवी है उनको बूस्ट करना है, उनकी जो एंट्री है वो जैसा कि बॉलीवुड की या सिनेमा की दुनिया में जो है नंबर 1 एंट्री होनी चाहिए, इस मूवी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या जो मूवी है एज अ सपोर्ट कह सकते हैं, एज अ प्रमोट कह सकते हैं, एज अ प्रमोशन कह सकते हैं, तो भाई शाहरुख खान उनकी फुल हेड टू हेड सपोर्ट करें। इसके अलावा इस हिसाब से जो है ये मूवी इस शाहरुख खान के नाम से भी भाई इस मूवी में धूम मचने वाली है। और जैसे कि ये सुहाना खान की जो पहली मूवी है, इसका जो क्रेज है वो भी बहुत छाया हुआ है। तो भाई जो फैंस है वो शाहरुख खान को देखना चाहते हैं अपनी हर मूवी में। तो जैसा कि ये जो मूवी है इसमें भाई ये सुहाना खान है, तो भाई सुहाना खान को किस तरीके से शाहरुख खान सपोर्ट करते हैं, या ये मूवी किस लेवल की या फैंस है उनकी भाई एक्सपेक्टेशंस है, जो सुहाना खान से भी भाई शाहरुख खान के जैसी ही जैसी है। तो इस हिसाब से जो इस मूवी का जो क्रेज है, इसकी जो हाइप है, वो एकदम बहुत ही दमदार बनी हुई है। तो भाई देखते हैं कि सुहाना खान शाहरुख खान के जैसा, किंग खान के जैसा जो है अपनी मूवीज में वही हमें करिश्मा करके दिखाती है या नहीं, वो हम मूवी देखेंगे फिर ही पता चलेगा। लेकिन भाई ये तो भाई बॉलीवुड के किंग की बेटी है, यहाँ पे तो भाई धमाका तो होना ही पड़ेगा। भाई वो जो मूवी है उसको दबंग फंटेस्टिक होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो बेटी है, किंग की बेटी है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी जो बातें चल रही है कि भाई शाहरुख खान है वो धूम 4 में आएंगे या नहीं। तो भाई बात यह कि भाई धूम के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने पहले ही एक बात क्लियर कर ली थी कि भाई हम कोई एज्ड जो होती हैं बॉलीवुड सुपरस्टार वो हम नहीं लेंगे, भले उनकी कितनी फेम हो, भले वो कितने ही बहुत ही बड़े से बड़े सेलिब्रिटी रहो, लेकिन धूम में हम, धूम सीक्वल में हम एज नहीं लेंगे। एक बार उन्होंने गलती की, आमिर खान है, आमिर खान एक बहुत ही अच्छे से अच्छे एक्टर है और उन्होंने बहुत ही फंटेस्टिक एक्टिंग किया यार, उसके बावजूद भी उनकी जो धूम 3 है वो फ्लॉप गई, और इस तरह इसका शायद रीज़न यही था कि उसमें जो है एज्ड जो है उनका सुपरस्टार सेलेक्ट किया था इस वजह से। और अभी भी अगर आमिर खान की बात करें तो भाई YRF के बाद चल के गए, उन्होंने कहा भी है कि भाई मैं अपना कमबैक एक अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहता हूं, धूम 3 या लाल सिंह चड्ढा की जो है फ्लॉप के बाद में धूम 4 में धूम मचा के एक अपना फंटेस्टिक कमबैक करना चाहता हूं, लेकिन फिल्म मेकर्स ने नो कह दिया। तो इस हिसाब से जो भाई शाहरुख खान ने भी भाई इस तरीके से भाई शाहरुख खान को भी भाई धूम 4 में जो है फिल्म मेकर्स हैं वो नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई जो एज्ड हीरो हैं वो हम नहीं ले रहे धूम 4 में। लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो अभी तक सामने नहीं आई। और इसी तरीके से अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की क्या 24
2024 में कोई मूवी आएगी या नहीं उसकी भी मैं आपको बात कर शेयर करता चलूंगी। भाई शाहरुख खान अभी तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं जस्ट चिल एनवायरमेंट में। जैसा कि आपको पता है कि भाई शाहरुख खान ने रिसेंटली भाई जो 2023 है वो डंकी के साथ एक बहुत ही इमोशनल मूवी में बाय बाय किया है और वो भी मूवी एक बहुत ही अच्छी से अच्छी साबित हुई है और जिसको डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और वो भी एक बहुत अच्छी जो तापसी पन्नू थी उसमें हीरोइन थी और उसमें जो विक्की कौशल और तापसी का जो रोल है वो एकदम फंटेस्टिक रोल था और सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद अभी जो शाहरुख खान है फिलहाल ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसकी शाहरुख खान की अनाउंसमेंट हुई है क्योंकि शाहरुख खान न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 26 को जो है वो लौटेंगे। तो क्या 2024 में शाहरुख खान की एक भी मूवी नहीं आएगी? भाई रुको जरा बताता हूँ। भाई शाहरुख खान की जो मूवी है 2024 में आ सकती है जब शाहरुख खान न्यू ईयर से वापस लौटेंगे तो भाई काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स हैं वो जो है वो शाहरुख खान को अपनी मूवीज़ में देखना चाहती हैं। भाई सवाल है कि क्यों? नॉट ओनली बॉलीवुड भाई साउथ के भी जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो शाहरुख खान को बॉलीवुड मूवीज़ में या अपनी जो मूवीज़ हैं जो भी है कनाडा इंडस्ट्री के भाई बड़ी बड़ी मूवीज़ में शाहरुख खान को देखना चाहती है क्योंकि भाई शाहरुख खान से अब आजकल जो है इमोशनल रोल या फैमिली ड्रामा टाइप की जो मूवी है उसमें वो अभी उसमें तो सक्सेस नहीं देख रहे लेकिन मास एक्शन मूवीज़ में तो भाई शाहरुख खान ने बहुत ही अपनी सक्सेस जो है हासिल की है। इस तरीके से अगर देखेंगे पठान देख लें जवान देख लें इस टाइप की जो भी मूवीज़ हैं उसमें शाहरुख खान ने अपनी अच्छी से अच्छी सक्सेस देखी है। तो इस हिसाब से भाई ये रिपोर्ट चले कि भाई लोग हैं शाहरुख खान को जो है एक्शन में देखना चाहते हैं और लोग शाहरुख खान की एक्शन वाली मूवीज़ जो है पसंद भी करते हैं। इस वजह से जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो शाहरुख खान के साथ डील करके उन्हें अपना प्रोजेक्ट देना चाहते हैं लेकिन शाहरुख खान ने अभी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यस नहीं किया। बहुत ही बड़ी से बड़ी ऑफर्स आ रही हैं एक्शन से एक्शन एक्शन मूवीज़ के लिए लेकिन शाहरुख खान ने अभी किसी को भी यस नहीं किया और नहीं ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। जैसे ही शाहरुख खान वापस आएंगे कोई प्रोजेक्ट साइन करेंगे तो फिर वो हमें पता चल जाएगा और बहुत ही जल्द इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।